और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां संगम नगरी में हत्याओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मलहरा रेलवे क्रॉसिंग पर हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई है, जिसमें बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी और गोली मारकर यह बदमाश मौके से फरार भी हो गए। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको संगम नगरी प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी है। यह प्रकरण थाना नैनी जिला प्रयागराज का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगोत्री नगर फ्लाईओवर के नीचे एक ब्रजेश सिंह, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, उनका मृत शरीर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें में राजपत्रित अधिकारीगण मौके पर पहुँचे। एसपी यमुना पार भी मौके पर पहुँचे। देखा गया तो मृतक के सिर में गोली लगने जैसा निशान प्रतीत हो रहा है। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। साथ ही साथ शुरुआती छानबीन में यह बात सामने आई है कि इनका दीपू शर्मा नामक युवक से, जो इनका पूर्व परिचित है, उसे रुपयों के लेन देन का विवाद है। कुछ चर्चा यह भी है कि इनका पुरानी रंजिश भी इसी दीपू शर्मा नामक युवक से है, जिसके तहत ये घटना कारित हुई है। भी तत्काल ही परिजनों से तहरीर ली जा रही है। उसमें भी जो बातें सामने आएंगी, जो भी नामजद किया जाएगा उसको तत्काल हिरासत में ले करके छानबीन करके साक्ष्यों के आधार पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा।